प्रयागराज कुंभ मौनी अमावस्या पर अखाड़ों ने किया शाही स्नान। देखें तस्वीरें। प्रयागराज संगम में मौनी अमावस्या के पर्व पर लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ा। संगम में सुबह 8 बजे तक 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आज अखाड़ों का भी शाही स्नान चल रहा है। अब तक 400 अखाड़ों ने शाही स्नान किया है। प्रयागराज के IG मोहित अग्रवाल ने संगम तट का निरीक्षण किया। आगे देखें पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर प्रदेश के लोगों और कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचने वालों को शुभकामनाएं दी। CM योगी ने कहा कि इस वर्ष मौनी अमावस्या बहुत ही खास है। कुंभ के आयोजन में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृश्चिक राशि में हो, इसके साथ अमावस्या की तिथि सोमवार को पड़ रही हो, ऐसी सोमवसी अमावस्या का योग कई वर्षों बाद इस साल पड़ा है। यह मौनी अमावस्या बहुत ही फलदायी है, इसलिए इस मौनी अमावस्या का महत्व काफी बढ़ जाता है। योगी ने अखाड़ों और उनसे संबंधित सभी आचार्य महामंडलेश्वरों, महंतों और संतों को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान की शुभकामनाएं दी। योगी ने कहा कि आप सब की तपस्या, त्याग और सेवा से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है और समाज का कल्याण होता है। वहीं अयोध्या में घने कोहरे के बीच श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या के दिन सरयू नदी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान करने के बाद पूजा पाठ किया और दान पुण्य किया। मौनी अमावस्या पर लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सरयू तट पर जल पुलिस भी तैनात की गई है। चित्रकूट में भी मौनी अमावस्या पर सोमवती अमावस्या मेला लगा हुआ है। धर्मनगरी चित्रकूट भी स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुँचे। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर स्नान किया। इसके बाद लोगों ने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी लगाई। 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।